लखनपुर विकासखंड में शिक्षकों की पहल पर कुंवरपुर में पहला स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया, जहां बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकेगी। लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कुंवरपुर के प्राथमिक और माध्यमिक शाला के शिक्षकों ने सराहनीय पहल करते हुए स्कूल में स्मार्ट क्लास का निर्माण कर उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी सूरज प्रताप सिंह, संकुल समन्वयक विशंबर सिंह और ग्राम सरपंच शांति बाई सहित बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी सूरज प्रताप सिंह और संकुल समन्वयक और विशंबर सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षकों के इस पहल की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों से आग्रह भी किया। साथ ही साथ प्राथमिक और माध्यमिक शाला के बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी, इस बात की भी बात कही। खंड शिक्षा अधिकारी सूरज प्रताप सिंह के द्वारा माता सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए फीता काटकर स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। स्कूल के प्रधान पाठक उमेश्वर दफ्तवार ने कहा कि टेलीविजन और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। वहीं प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के शिक्षकों के द्वारा स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों का भविष्य संवरने का कार्य किया जाएगा। स्मार्ट क्लास शुरू किया है, ये बता दो। मैं दीप्ति भावसर हूँ, सहायक शिक्षक। और स्मार्ट क्लास का सर ऐसा था कि हम लोग देख रहे थे कि बच्चे कोरोना काल के बाद से इतना जल्दी सीख नहीं पा रहे हैं। उनमें जो सीखने की क्षमता है या जो भी, वो बहुत कम हो गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्मार्ट क्लास आयोजित किया जाए। तो हम लोग अपने खुद के संसाधन से, सब सहयोग से हमने आयोजित किया और आज शायद वो लगता है कि सफल भी जरूर होगा, लाभ मिलेगा जी। स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो भी हमारे पास लर्निंग मटेरियल है वो क्लास वाइज है, और अगर क्लास पहली का बच्चा है तो उसको वैसे लर्निंग मटेरियल से पढ़ाया जाएगा, बड़ी क्लास का बच्चा है तो उसको वैसे। सबके लिए हमारे पास लर्निंग मटेरियल मतलब हमने इकट्ठा कर लिया है। बच्चों को तो यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों पढ़ो, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़ो, लेकिन पढ़ो और आगे बढ़ो। आज शासकीय प्राथमिक शाला कुंवरपुर और शासकीय माध्यमिक शाला कुंवरपुर में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन था। इस अवसर पर मैं यहाँ पर आमंत्रित था, उसी के उद्घाटन अवसर पर यहाँ मैं उपस्थित हूँ। क्या कुछ संदेश दिए बच्चों को, जिस हिसाब से लखनपुर में पहला ये स्मार्ट क्लास का उद्घाटन हुआ है कि इससे पहले भी उद्घाटन हो चुका है लखनपुर ब्लॉक में? नहीं नहीं, लखनपुर ही नहीं, सुरगढ़ जिले में ये दूसरा प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला है जहाँ पे स्मार्ट क्लास से पढ़ाई शुरू होगी। लखनपुर विकासखंड का पहला स्कूल है और यहाँ ये जो स्मार्ट क्लास है इसके लिए दोनों विद्यालय प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला कुंवरपुर के शिक्षक स्टाफ के द्वारा स्वयं से संसाधन एकत्रित करके स्मार्ट क्लास का यहाँ आज शुरुआत कराया गया है। दोनों संस्थाओं के प्रधान पाठक सहित समस्त स्टाफ को इसके लिए बधाई देता हूँ। स्मार्ट क्लास की अवधारणा इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में 2-2.5 साल जो लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों को, जब शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, क्लास के अंदर जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे ध्यान से सुनते हैं, समझ में नहीं आता, और वो चीज़ें समझ में आता भी है तो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं बच्चे। स्मार्ट क्लास में जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके मानस पटल पर वो कभी भूलने वाला चीज़ नहीं होता जो वहाँ पर पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है स्मार्ट क्लास के द्वारा। तो इसलिए इसकी उपयोगिता ज़्यादा महत्वपूर्ण है और निस्संदेह हमारे शासकीय प्राथमिक शाला कुंवरपुर और माध्यमिक शाला कुंवरपुर के सभी बच्चे इसका फायदा उठाएंगे और इनका जो लर्निंग लॉस हुआ है वो लर्निंग लॉस की पूर्ति बहुत जल्दी ये लोग कर पाएंगे। क्या बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है लोगों के लिए कि लोग सीखें, समझें। और मैं इस शासकीय प्राथमिक शाला कुंवरपुर में 2-3 बार विजिट करने आया, बहुत ही प्रभावित हुआ। बच्चों का पढ़ाई के स्तर बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। इसमें यहाँ पदस्थ भावसार में हैं और प्रधान पाठक जी के मार्गदर्शन, श्री दत्तवार जी के मार्गदर्शन से बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। तो सभी बच्चों को मैं यहाँ बधाई दिया हूँ कि आप लोग नियमित रूप से स्कूल आएँ और जो लर्निंग लॉस हुआ 2-2.5 साल में उसकी क्षतिपूर्ति के साथ और आगे आप बढ़ें और स्मार्ट क्लास का लाभ